ready? Thank you.
Gurave Gaurachandraya Radhikaya Dalali Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhava Bhaktaya Namo. हम लोग यहाँ से दिल्ली गए 3 महीना पहले, फिर दिल्ली से सिंगापुर में अच्छा प्रचार हुआ और वहां से पहुंच गए फिलीपाइंस, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रचार हुआ, वहां पर ग्रंथ लिखे, फिर मलेशिया में आया, 7 दिन का प्रोग्राम और मेरा जन्म दिवस मनाया, हजारों लोग आए, बहुत बड़ा भारी नगर संकीर्तन निकला, चाइना के लोगों ने ड्रैगन बनाकर बड़ा लोगों का आकर्षण किया, खूब प्रचार हुआ और फिर वहां से पेनांग नामक जगह है मलेशिया में, 27 दिन करीब 21 दिन वहां पर बैठ करके लिखा पढ़ा। इसके बाद मैं नवद्वीप में आया, नवद्वीप में आज तक इतनी बड़ी परिक्रमा नहीं हुई, 16-17-18 हजार लोग थे, सब लोग मिलकर के वहां पर इतनी परिक्रमा निकलती है हमारे बराबर थे। और दूसरी जगह कुछ एक्सीडेंट हुआ, किंतु हम लोगों के यहाँ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, केवल मायापुर जाते समय 2-3 महिलाएं गंगा में गिर गई इसे चढ़ने में, विदेशी लड़कियां हैं वहां पर उसमें चढ़ना चाहते हैं, वो दामोदर महाराज छट कूद करके उनको निकाल, बस यही तक और कुछ नहीं। इतने लोगों का खिलाना पिलाना साधारण काम नहीं, किंतु छोटा सा पामना हमारा प्रेमानंद, हजारों लोगों की व्यवस्था खाना पीना कम नहीं पड़े कभी, थोड़ा सा बच जाए। और उसके अतिरिक्त गांव व नवद्वीप वासियों को भी खिलाया, अंग्रेजों के लिए विदेशियों के लिए अलग व्यवस्था, दिल्ली और भारत के और सब जगहों से मथुरा के लोग गए थे, इनके लिए खाने की अलग व्यवस्था और बंगालियों के लिए अलग व्यवस्था, विशाल वहां का मंदिर और गेस्ट रूम बना है जिसमें जितने लोग आते जाए समाते जाए आते जाए समाते जाए, लोगों का आना खत्म नहीं, और उसमें छोटी सी भूमि में सभी लोग आगे। देखो कृष्ण बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु, उतना को मार करके दिव्य गति मातृ जैसी धात्री उचित गति दे, अघासुर बकासुर सब असुरों को मार करके उनको गति दी। कृष्ण के बिना लता पताओं को भी कौन प्रेम दिया, बात तो ठीक है, किंतु राधा जी उनसे भी अधिक दयालु हैं, कहने की जरूरत नहीं इतनी दयालु है। अब ये दोनों दयालु हैं, अब ये दोनों मिलकर के राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा और कृष्ण दोनों की दयालुता मिल करके राधा और कृष्ण अकेले से ही अधिक दयालुता, उनका धाम भी ऐसे ही दयालु है। जो लोग परिक्रमा किया, जिनके पैर नीचे में सड़कों पर गर्मी से फफोले आ गए, ऊपर से सूर्य की किरणें,
महाप्रभु जी क्या नहीं जानते, जानते जी हमारे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, तो दयालु है, उनका हृदय पिघल जाएगा और उस पर जरूर दया करें। ये चैतन्य महाप्रभु के धाम की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए जो गए वहां वो धन्य है। और बहुत सी श्रीनिवास जी के घर से और उनके जैसे हैं जो कभी घर से नहीं निकलते, कभी कभी देखा नहीं गोवर्धन को भी नहीं देखा, तो वो धन रख करके क्या करेगा। और एक गरीब दरिद्र आदमी भी है, वृंदावन जा रहा है, नवदीप धाम जा रहा है, धामपुरी जा रहा है, भगवान का भजन करता है, पर ऊपर में भगवान की कृपा हो। फ्रॉम हियर वेंट टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली वी वेंट टू फिलीपाइन। देयर आई रोट बुक्स ट्रांसलेटेड एंड ऑल्सो बिग प्रीचिंग देयर। आफ्टर दैट आई केम टू मलेशिया, 7-day program for my birthday. Very good. 1,000 person came there. And very big procession. Chinese made some dragons and so many things. All citizens came to see that procession. And after that I went to Penang in Malaysia and rode. Then came to Navadvip. Oh, big parikrama, more than 16,000-17,000. Big parikrama. But no accident at all. All were happy. All were happy. They want to come again and again. Mahaprabhu, mercy is combined mercy of Radha and Krishna. So, the pilgrims who were there doing parikrama in their fields, one minister came out on head, so much heat, even they did parikrama. So, I think the heart of Chaitanya Mahaprabhu has melted. And he has given mercy to them. And again the one. Gaur Pramanande.